जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने वाराणसी में डीजल रेल इंजन कारखाने के पुनर्विकास के वादे को पूरा किया है। 25 दिसंबर 2014 को पीएम मोदी ने इस डीजल रेल कारखाने के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। आज यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रकल्प, एक तो 4,500 हॉर्स पावर कैपेसिटी का डीजल इंजन राष्ट्र को समर्पित हो रहा है और 22 सितंबर 2017 को इस डीजल रेल इंजन कारखाने का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया। आज एक ही कार्यक्रम में, एक ही मंच से 1,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत के कुछ प्रकल्पों का लोकार्पण और कुछ प्रकल्पों का शिलान्यास होने जा रहा है। इस रेल कारखाने का पुनर्विकास 350 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस कारखाने में पेंटिंग बूथ, ऑटोमेटिक स्टोरेज और रिट्राइवल सिस्टम सहित कई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। वहीं उद्घाटन के बाद इस कारखाने में इलेक्ट्रिक रेल इंजन का उत्पादन भी शुरू किया गया, जिसके बाद अब तक यहां करीब 1700 विद्युत लोकोमोटिव का निर्माण किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि साल 2022 में 5000 कर्मचारियों ने मिलकर यहां 365 दिन में 367 रेल इंजनों को तैयार किया था, जो इस रेल कारखाने के इतिहास में पहली बार हुआ है। साथ ही साथ 2023 में इस कारखाने ने अपने 10,000वें रेल इंजन के निर्माण के रिकॉर्ड को भी हासिल किया। वहीं इस कारखाने में निर्मित रेल इंजनों का निर्यात विदेशों में भी किया जा रहा है और अब तक यहां बने 170 से अधिक इंजन तंजानिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया समेत 11 देशों को बेचा गया है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और वाराणसी में विकसित हुआ ये रेल इंजन कारखाना विश्व में मेक इन इंडिया का परचम लहरा रहा है।